सर आप पर आरोप है जो कुछ कहना चाहेंगे। तहसीलदार राजबक्स को आज कोर्ट में पेश किया गया, एक दिन का रिमांड मिला था और जब कोर्ट में पेश किया गया तो जो सरकारी वकील हैं सचिन, उनकी तरफ से तमाम दलीलें रखी गई। दलीलों में क्या क्या बातें रखी गई वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई है कि 5 दिन का रिमांड मिला है। कल 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन हेल्थ इशू भी सामने आए और हेल्थ इशू सामने आने के बाद महज 1 दिन का रिमांड मिलता है। आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया और वहां से 5 दिन का रिमांड मिला है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, तहसीलदार राजबक्स और डीटीपी विक्रम कुमार की अब विजिलेंस में होली मनने वाली है, क्योंकि तहसीलदार राजबक्स को आज कोर्ट में पेश किया गया, एक दिन का रिमांड मिला था और जब कोर्ट में पेश किया गया तो जो सरकारी वकील हैं सचिन, उनकी तरफ से तमाम दलीलें रखी गई। दलीलों में क्या क्या बातें रखी गई वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर ये सामने निकल कर आई है कि 5 दिन का रिमांड मिला है। कल 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन हेल्थ इशू भी सामने आए और हेल्थ इशू सामने आने के बाद महज 1 दिन का रिमांड मिलता है। आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया गया और वहां से 5 दिन का रिमांड मिला। डीटीपी विक्रम कुमार को भी कोर्ट में पेश किया था और 3 दिन का रिमांड मिला था। इस वक्त की करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सचिन जो सरकारी वकील हैं उनके तरफ से क्या क्या दलीलें रखी गई वो हम आपको बता देते हैं कि तहसीलदार राजबक्स के पास 2 मकान है जिसमें एक बेटी के नाम है, एक पत्नी के नाम है, साथ ही साथ कहीं पर 40 लाख रुपए नगद हैं, 2 कागजात रतिया के अंदर हैं जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 2 घर वहां पर हैं, इसके अलावा कहीं पर और 2 घर हैं। ये ऐसी दलीलें सरकारी वकील की तरफ से रखी गई हैं। ये भी दलील रखी गई है कि फरीदाबाद में जमीन है और उसके कागजात किसी दोस्त के पास हैं और इसी के बलबूते पर 5 दिन का रिमांड मिला, क्योंकि इसके लिए
फतेहाबाद भी जाना होगा, यानी कि रतिया भी जाना होगा, फरीदाबाद भी जाना होगा। इसके अलावा ये बात भी सामने निकल कर आई है कि क्लर्क के थ्रू पैसे लिए जाते थे, क्लर्क के थ्रू पैसे लिए जाते थे। जेड ब्लैक नाम की एक जगह का जिक्र हो रहा है जहां पर करोड़ों रुपए की जमीन है। ये जेड ब्लैक जगह क्या है ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी दलीलें सरकारी वकील की तरफ से रखी गई हैं। इसके अलावा ये भी दलील रखी गई है कि 80,000 रुपए मिले हैं या मिल सकते हैं नगद के तौर पर, और 15 डीड राइटर के नाम सामने निकल कर आए हैं। डीड राइटर वो होते हैं जो रजिस्ट्री वगैरह लिखते हैं। इसके अलावा 3 JEE के नाम सामने आ रहे हैं। ये सरकारी दलीलें हैं और इन्हीं सरकारी दलीलों के नाम पर जो है रिमांड मांगने का प्रयास किया गया विजिलेंस की तरफ से, और कोर्ट में आज तकरीबन आधा घंटा बहस चलती है जो आरोपी के वकील हैं उनकी तरफ से और साथ ही साथ जो सरकारी वकील हैं उनकी तरफ से। और उस बहस के बाद एक लंबा ब्रेक लिया जाता है, और ब्रेक के बाद शाम होते होते ये बड़ी खबर सामने आ जाती है कि 5 दिन का रिमांड मिला है। पहले 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, लेकिन 10 दिन का वो रिमांड नहीं मिला, महज विजिलेंस को 1 दिन का रिमांड मिला। आज 5 दिन का और रिमांड मिला है, 21 तारीख तक ये रिमांड है, फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी कि बात साफ है, होली का त्यौहार है, 18 को तहसीलदार राजबख्श और जो DTP विक्रम कुमार है उनका जो होली का त्यौहार है वो विजिलेंस के दफ्तर में ही मनने वाला है, विजिलेंस की देखरेख में ही मनने वाला है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार नए नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, कई अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, कई कर्मचारियों के नाम सामने आ रहे हैं, रिश्वत की बात सामने आ रही है, पैसों की बात सामने आ रही है। और जो सरकारी वकील हैं उनके सामने जब उन्होंने दलीलें रखी तो उसी के माध्यम से ये जो केस है विजिलेंस का मजबूत हो गया, क्योंकि पहले 10 दिन की रिमांड मांगी गई, वहां पर मेडिकल का हवाला दिया गया कि उनकी हार्ट की तबीयत खराब रहती है, और ऐसे में जब भी कोई पूछताछ हो या वकील को मिलने दिया जाए, जज साहब ने ये बात भी कह दी थी कि वकील उनसे जाकर मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया, क्योंकि कल जब रिमांड दिया गया था तो 1 दिन का था और 1 दिन में कई सबूत विजिलेंस की टीम ने जुटाए। आज मजबूत तथ्य उन्होंने कोर्ट के अंदर रखे, और जब कोर्ट के अंदर वो तथ्य रखे गए तो उसके बिहाफ पर उसके तहत 5 दिन का रिमांड मिला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। 5 दिन है विजिलेंस के पास, और इन 5 दिनों के अंदर बहुत सारे नए खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि विजिलेंस को घुमाना होगा, यानी कि कभी रतिया जाना होगा, कभी फरीदाबाद जाना होगा जहां पर घर है वहां पर जाना होगा, जेड ब्लैक नाम की जो जगह सामने आ रही है वहां पर जाना होगा, और ऐसे में वहां से नए सबूत आ सकते हैं, कुछ रिकवरी हो सकती है, क्योंकि DTP के पास से एक गाड़ी की रिकवरी हो गई थी, एक गाड़ी की रिकवरी और होनी थी। यानी कि ये तमाम तथ्य, ये तमाम सबूत, ये तमाम कागजात अगर विजिलेंस की टीम को मिल जाते हैं तो उनकी तरफ से केस और मजबूत हो जाएगा, और फिर और भी कई नए खुलासे हो सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार। सर आप पर रूप है जो कुछ कहना चाहेंगे। तो
Thank you.